जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लड़बलोह तहसील के नवनिर्मित कानोगो कार्यालय एवं आवास भवन पीहड़ को आज जनता को समर्पित कर दिया गया। 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस भवन के बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों को अब बेहतर राजस्व सेवाएं प्राप्त होंगी। जोगिंदरनगर के विधायक प्रकाश राणा ने आज इस भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर SDM जोगिंदरनगर डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार लोगों को बेहतर राजस्व सेवाएं प्रदान करने को निरंतर प्रयासरत है। अकेले लड़बड़ोल तहसील के अंतर्गत जर्जर हो चुके 30 पटवार भवनों के लिए 12-12 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि पुराने भवनों की जगह नए भवन निर्मित किए जा सके। उन्होंने बताया कि पीहड़ पटवार भवन के रिपेयर को सरकार ने लगभग 8 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा जल्द ही रिपेयर का कार्य शुरू किया जाएगा। विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि लड़बड़ोल क्षेत्र के बच्चों को बेहतरीन स्कूल सुविधा सुनिश्चित हो, इस दृष्टि से पंजालंग में अटल आदर्श विद्यालय स्थापित होने जा रहा है। क्षेत्र के लिए जोनर के लिए एक बड़ा सौभाग्य का दिन था आज। एक तो हमने जो एक काम को जो ऑफिस था साथ में रेजिडेंस, उसका उद्घाटन किया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का भी, सभी अधिकारियों का भी, और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और आदरणीय हमारे रेवन्यू मिनिस्टर नरेंद्र सिंह ठाकुर जी का। और भी हमारी काफ़ी मांगी थी, कुछ हमारे जो पटवार खाने हैं 25-30 के करीब हैं। जैसे हमने मंत्री जी से बात की थी, उन्होंने पूरा आश्वासन बताया कि आप सबका जो है जो एकदम ख़त्म की हालत में उसको नया बनाया जाएगा, सबके लिए 12-12 लाख का उन्होंने देने की घोषणा की है। जैसे मैंने अपने टीम साहब से पूछा था, उन्होंने पेपर वर्क पूरा करके जो है सरकार को भेज दिया। 30 के करीब जो है हमारे पटवार खाने नए खाने जा रहे पटवार का। दूसरा, इस क्षेत्र के लिए मैं फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ उनकी घोषणाएं थी जब वो चौतरा में आए थे, उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई। जो कैबिनेट में उन्होंने नोटिफिकेशन दी उसकी, उसमें हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिपड़ी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चौतरा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोड़ा है, इसका भी जो नोटिफिकेशन हो चुकी है। बाकी एक बार मैं अपने पूरे क्षेत्र की जनता को भी इसकी बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सरकार को। सर, अगला, हमारे एडियो साहब ने भी हमें बताया कि हम इसका कार्य करेंगे, बहुत अच्छा काम होगा। ये भी एक क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की बात है कि आज जो हमारे जो पटवार खाने काफ़ी हालत ख़राब थी, आज जो बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए जोगिंदरनगर से क्रांति सूद की रिपोर्ट।